बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। सीएम सिंध ने अबाउट सिंध स्कूल एजुकेशन तालीमी बहरान को हल करने के लिए एक अहम इजलास बुलाया, जिसमें डिजिटल लर्निंग प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है। तो सीएम सिंध एसईएफ के इजलास में एजुकेशन मिनिस्टर सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत और सेक्रेटरी एजुकेशन अकबर लिगारी और दूसरे अमलदार शरीक हुए। डिजिटल लर्निंग प्रोजेक्ट में स्कूल से बाहर बच्चों को एजुकेशन देने के लिए कोशिशें की जाएगी और उनको हल किया जाएगा, ये कहना था सैयद मुराद अली शाह, सीएम सिंध। एससीएफ सिंध गवर्नमेंट और टीटीडब्ल्यू के दरमियान एक मंसूबा पेश किया जाएगा, जिसमें पीछे रहने वाले लोगों को लर्निंग दी जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये कहा काजी कबीर ने। साउथ सिंध में 10,000 से बाहर बच्चों और 2,500 से ज़्यादा बच्चों के लिए एक पायलट प्रोग्राम प्रोजेक्ट शुरू करने का भी फैसला किया गया। तो एजुकेशन देने के लिए बच्चों को मोर देन 150,000 और 25,000 न्यू स्कूल ओपन करने के लिए भी ये कहा गया है और 1,50,000 टीचर्स न्यू अपॉइंटमेंट करने के लिए भी ये इस इजलास में कहा गया है। तो ये वज़ीर आला सिंध ने तालीमी बहरान को हल करने के लिए डिजिटल लर्निंग प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। तो ये होपफुली ये गुड न्यूज़ होगी फॉर वेटिंग IBA PSTs और JSTs के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव करें। थैंक यू।